घर में है? हाँ, घर है ही। दादा भी है? हाँ, दादा भी घर है। ये कल मीटिंग में बोले थे ना, तो वो याद है ना? हाँ, याद है। अच्छा, ठीक है, तब इधर आके बैठते हैं। पटिया में बैठो। दीदी, आपका नाम तो जानते हैं, वो दादा थोड़ा सा आपका नाम बता दीजिए। मनसा महन। आपका परिवार कैसे चलता है दादा? भट्टा जाते हैं, कमाते हैं, तब लाते हैं, तब चलाते हैं। तो दीदी, आप भी जाते हैं? हाँ, हम भी जाते हैं। और बाल बच्चा? बाल बच्चा सबके लेते जाते हैं। तब स्कूल नहीं जाते हैं? नहीं, भट्टा ले जाते हैं तो कैसे बाल उतर जाएगा स्कूल। तो आप लोग का ये जमीन नहीं है? नहीं, कोई जमीन बिल्कुल नहीं है। नहीं है दीदी, आपका कुछ पेड़ उड़ नहीं है? नहीं, पेड़ तो नहीं है, यही एक आंगन में दिख रहा है सजना का पेड़, और कुछ नहीं है। आप लोग कितना परिवार है? परिवार तो हम लोग छोटे हैं। आप लोग दोनों और ये बच्चा लोग? हाँ, चार बच्चा। और घर में कोई? सास है, ननद है एक ठो। तो कमाने वाला आप कई जन है? आप लोग दो ही ठो। आप लोग जो ये भट्टा से कमा के लाते हैं, वो पैसा से तो आपका परिवार नहीं चलता है। तो दीदी, आप लोग को ये मीटिंग में कुछ बात बोले हैं? हाँ, बोले तो थे, तो बताए हैं भैया को। तो क्या बतलाए थे? ये बताए हैं कि दीदी सब आए थे मीटिंग में, तो बोले थे कि सही अपने देने बोल रहे कि कितना 11,280 रुपया। तो वो पैसा से क्या कीजिएगा, कुछ सोचे हैं? सोचे तो है कि बकरी को लेंगे एक ठो। एक ठो बकरी लीजिएगा? हाँ, एक ही ठो लेंगे अभी तो। अब बकरी ही क्यों? बकरी क्या है कि रहेगा तो घर में, तो हम बांध के भी कहीं काम करने चल जाएंगे। गाय भेड़ ये सब कहीं नहीं ले सकते हैं? अरे भेड़ गाय सबके घर नहीं है। और सुअर भेड़? सुअर सब भी तो जाइन काम करता है, घर ही नहीं है, तो छोटा सा घर है ये है, तो उसी में हम लोग रहते हैं, तो कहाँ रखेंगे वो सुअर सब। तो 11,280 में सिर्फ एक ही ठो बकरी लीजिएगा? वही तो भैया सब फिर सलाह पूछेंगे तब। क्या बोले, दुकान रखिएगा? हाँ, छोटा मोटा रखेंगे। दीदी, आप चला पाइएगा दुकान? हम तो कर नहीं पाएंगे। पैसा वैसा हिसाब रख पाइएगा? नहीं तो हम नहीं जानते हैं गिरने, तो इसलिए बकरी। सोचे थे हैं कि अगर उतना पैसा मिल जाएगा तो एक ही बार हम लोग 4-5 ठो बकरी ले लेंगे। एक बकरी का कितना दाम है? वही 2,000। तो 11,000 पैसा में, 11,280 में हो जाएगा 5 ठो। 5 ठो तो ज़्यादा बकरी लीजिएगा, तो कहाँ रखिएगा? यही घर ही में रखेंगे, घर बनाएंगे एक ठो। बकरी क्यों लीजिएगा? गाय इसे लेते, सुअर उअर लेते, भेड़ उड़ लेते इसे? तो उसका जगह नहीं है रखने के। अगर ज़्यादा बकरी हो जाएगा तो रखिएगा कहाँ भी? घर बनाएंगे। जगह है? हाँ, पीछे तरफ जगह है छोटा मोटा। छोटा मोटा जगह है तो उसके लिए घर में घर बनाना होगा। तो घर बनाना होगा तो आप घर कौन बनाएगा? यही बनाएगा दादा। आप लोग नहीं मिलके बनाएंगे? हाँ, हम लोग साथ ही मिलके बनाएंगे। तो उसके लिए मिट्टी तो नहीं खरीदना होगा? मिट्टी तो खरीदना नहीं होता है, क्या है कि यहीं पर मिट्टी है इसलिए। तो उसके लिए खपड़ा खरीदना होगा? हाँ, खपड़ा, बांस। खपड़ा खरीदिएगा, बांस खरीदिएगा। तो कितना का खर्चा आ जाएगा? वही तो एक ठो बांस के 30 रुपया दाम है। एक ठो बांस का 30 रुपया, तो 5,000 रुपया में बांस खरीदिएगा और ये खपड़ा खरीदिएगा। घर बनाने में कितना खर्चा आएगा भैया? वही 7-800 में हो जाएगा। 7-800 में घर हो जाएगा? तो आप लोग घर बना लीजिएगा, उसके बाद ही बकरी मिलेगा। अब आप जैसे कहिए, घर तो बनाएंगे। तो ठीक है, आप लोग सोचिए इसके बारे में, मैं कल फिर आऊँगी। अच्छा, ठीक है। ठीक दीदी, जो है। दीदी, तो आप तय कर लिए हैं कि आप बकरी ही लीजिएगा? हाँ, तय तो हो गया। तो घर बनाइएगा तो कहाँ पर ही बनाइएगा? ये घर है उसका बगल में। चलिए तो देखते हैं। चलिए देखिए। हाँ, तो कहाँ घर बनाइएगा? यहाँ।
रखना चाहते हैं फिर ये का बनाना है, अपने सब लोग बनाइएगा ना। हाँ अपने से बनाएंगे। यहाँ पर साफ सुथरा कौन करेगा? हम लोग करेंगे। आप ही लोग करिएगा? हाँ मिल के कर लेंगे। और आप ये बनाइएगा अपने से? हाँ अपने से बनाएंगे। ठीक है चलिए बैठ के बात करते हैं। चलिए घर बनाने में क्या कितना खर्चा आएगा भैया? उसका खर्चा 800-900 रुपया। बांस का कितना लगेगा? कितना ठो बांस में हो जाएगा? 15 ठो में तो हो जाएगा। 15 ठो में हो जाएगा? 20 गो लगेगा। 20 गो लगेगा? हाँ। 20 ठो ये 1 ठो बांस का कितना दाम है? 30 रुपया। 30 रुपया करके लगता है? हाँ। 20 ठो बांस लीजिएगा तो 30 रुपया के हिसाब से ये 600 लग जाएगा। और वो खपड़ा का कैसे? इधर खपड़ा है? खपड़ा 900 में हो जाएगा। 700 नहीं होगा? 900। 900? हाँ 900 में हो जाएगा। हो जाएगा 900। तो घर बनाने का जैसे बांस का ये बोल रहे हैं कि 20 ठो लग जाएगा, तो बांस का 600 लग गया और जो खपड़ा खरीद रहे हैं उसका 900, तो 1500 ये हो गया। हाँ। तो और ये बकरी को क्या खिलाते हैं? वही डबरा खिलाते हैं, आम के और क्या बोलते हैं इसके डूम्बर के पत्ता। डूम्बर का पत्ता खिलाइएगा? और खरी? और खरी खिलाएंगे। तो गर्भवती रहता है बकरी तो उसको डूम्बर का पत्ता ही खिलाते हैं? हाँ डूम्बर के खिलाते हैं, पत्ता के। उसके लिए अच्छा नहीं खिलाते हैं? अच्छा खिलाइएगा तब ना ये बच्चा अच्छा होगा तो वो जल्दी बड़ा होगा और उसको बेचिएगा। नहीं तो डूम्बर के पत्ता से भी कितना विटामिन है डूम्बर का पत्ता में? नहीं उसको अच्छा खिलाते हैं, अच्छा कुछ खिलाइएगा तो बकरी का बच्चा अच्छा होगा तो जल्दी बड़ा होगा और बेचिएगा, इसलिए उसको उसका रख लेते हैं खिलाने के लिए 200 रुपया। और वो जो उसको बीमार उमार होगा तो उसको दवाई सुई वगैरह दिलाएंगे उसका हो जाएगा 200, तो उसका रख लीजिए 400 रुपया, खिलाने का 200 और वो दवाई कराने का 200। जब बकरी हम लोग देने का प्लान करते हैं तो उसके लिए बीमा कराने के लिए 500 रुपया रखते हैं, तो उसका हो गया मतलब 2400 रुपया हो गया उसका। हाँ। तो बच रहा है कितना? 8900 रुपया, 980 रुपया बचता है, तो उसमें बकरी लेना है। तो आप लोग कौन बाजार से लीजिएगा दादा? भंडरा बाजार से लेंगे। तो आप जाइएगा कि दीदी? दोनों जाएंगे। दोनों जाइएगा? हाँ। कितना दूर है ये जगह से? यहाँ से 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर गाड़ी से जाते हैं? हाँ गाड़ी से जाते हैं। तो उसका किराया कितना लगता है? ज़्यादा तो नहीं लगता है, 10-20 लगता है। 10-20 लगता है, तो उसका छोड़ दीजिए कि 10-20 लगता है। तो आप लोग को बाजार में कैसे बकरी लेना हो पता है? पता तो नहीं है। कैसे लेना हो पता नहीं है? नहीं है पता। तो किसी बकरी लेना है तो जैसे 2 दांत 3 दांत बोलते हैं तो 2 दांत 3 दांत वो देख के लेना है। तो जब बकरी लेना ही है तो उसके लिए मतलब आप लोग को वो ट्रेनिंग कराना होगा, तो जब ट्रेनिंग होगा उसके बाद ही आप लोग बकरी लेने का प्लान कीजिएगा। तो ठीक है, आप लोग जब मीटिंग में आइएगा तो अगला मीटिंग में हम लोग इसके लिए बात करेंगे कि कैसे बकरी लेना है और कब जाना है उसको। अच्छा। तो ठीक है दादा, चलते हैं, आएंगे दूसरा दिन मीटिंग में। हाँ ठीक ठीक दादा जी। हाँ।